और वो फैसलाबाद जिसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था, जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत इंडस्ट्री की वजह से मशहूर मारूफ था, और जब ये पता चला कि 50,000 के करीब लूमें बंद हो गई हों और कोड़ियों के मोल वो बिक रही हों और इंडस्ट्री अपने बहुत ही कम एफिशिएंसी के ऊपर चल रही हो, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई हो, तो दिल कुड़ता है, चलता है कि ये कैसा पाकिस्तान है कि जिसे इस वक्त तो तरक्की करनी थी, आगे बढ़ना था। हमारी आबादी अब 25 करोड़ है। इस 25 करोड़ आबादी में 30 साल तक की उम्र के लोग 60% हैं और 40 साल की उम्र तक के लोग सब मिला लें तो 80% हैं। इसका मतलब है कि ये तो ऐसा पाकिस्तान है जिसमें नौजवानों की अक्सरियत है और यही हमारे कौम का मुस्तकबिल है, लेकिन इस पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो रीढ़ की हड्डी के मानंद है, जिसके एक एक इंडस्ट्री से सैकड़ों हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है, कितनी जो है वो सप्लाई चेन में चीज़ें होती हैं, कितने कारोबार एक इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होते हैं, वो सारे के सारे मुतासिर होते हैं और मईशत का जो पहिया चल रहा होता है उसमें रुकावट आ जाती है। इसी तरह से जब हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री को बुनियादी जो सहूलतें एनर्जी की सूरत में, बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में मिलनी चाहिए, वो महंगी से महंगी तरीन होती चली जाएं और उसमें भी रुकावटें हों, तो फिर आप सोचें कि ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इन सब हालात से आगाही हासिल करते हुए जब हम ताजिर तबके से बात करते हैं और उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या हालात हैं, तो पता चलता है कि बिजली के बिलों से तंग आए हुए ताजिर हैं और अब टैक्सों की भरमार उन पर की जा रही है। एक आम तासुर ये कायम किया जाता है कि जो ताजिर बिरादरी है वो टैक्स नहीं देती। यकीनन ये एक अहम मसला है, लेकिन इसका इस सवाल का जवाब क्या है? क्या ये ताजिर बिरादरी टैक्स देना नहीं चाहती? हमने इनसे बहुत तफसील से बात की है, कराची में भी बात की है, लाहौर में भी की है और अब फैसलाबाद में भी की है, पिशावर में भी की है। मैं अभी पिछले 3-4 दिनों में मुसलसल इन सब जगहों पर जा रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ ताकि हमें सही अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम कहाँ खड़ी है और हालात हमारे क्या हैं। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करना, बयानात देना, इससे पता नहीं चलता है। फिज़िकली लोगों से मिलकर जब उनकी राय लेते हैं तो अंदाज़ा होता है कि सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़राब है जितनी हमें जो है वो खबरें मिलती हैं। तो इन सब जगहों पर हमने एक चीज़ महसूस की कि ताजिर तबका ये कहता है कि हम टैक्स देना चाहते हैं और हम टैक्स को ठीक तरीके से देना चाहते हैं, लेकिन आप निज़ाम को ठीक करें, टैक्स नेट को सही करें, आप ये गैर ज़रूरी टैक्स ना लगाएं। ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते, लेकिन टैक्स का कोई सही इंतज़ाम होना चाहिए। ये बेशुमार टैक्सेस, जिस तरह अभी काशिफ चौधरी साहब बता रहे थे कि 44 किस्म के टैक्स आप जब लगाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, तो फिर कैसे तजारत आगे बढ़ सकती है और कैसे जो है वो इंडस्ट्री चल सकती है। लिहाजा हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार तो हो। तो पाकिस्तान की सूरत हाल यही है कि एक बड़ी तादाद में लोग मायूसी का शिकार नजर आते हैं और इस मायूस कौम पर मजीद मरे पर सो दुर्रे के जो है वो मुताबिक हमारे हुक्मरान तबका टैक्सों को लादता चला जा रहा है, बिजली की कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं, गैस की कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, उस पर लेवी बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, इम्पोर्ट पर बेताशा टैक्स लगा रहे हैं और रॉ मटेरियल जो बहुत एसेंशियल चीज़ों के होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, कहीं का भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस एजेंडे पर है कि किसी तरह ये कारोबार तबाह होकर रह जाए और लाखों करोड़ों लोग जो है वो मारे मारे फिरते रहें। इसलिए अब पाकिस्तान की कौम को ये ज़रूर सोचना होगा कि वो फिर करें तो करें क्या। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, ये नौजवानों का मुल्क है। इन नौजवानों के इस मुल्क में आप मुझे बताएं कि हम हालात के रंगो करम पे तो इनको नहीं छोड़ सकते, अपनी नई नस्ल को हालात के हवाले नहीं कर सकते। इन मायूसियों के नतीजे में अब नौजवान क्या कहते हैं? नौजवान कहते हैं कि हमें इस मुल्क में नहीं रहना, इस मुल्क में नहीं रहना। कौन सा मुल्क है ये? इसमें क्या कमी है? इसमें समंदर है, पोर्ट्स हैं, इसमें पहाड़ हैं, इसमें मैदान है जरखेज, इसमें लहलाते खेत हैं, इसमें दरिया हैं, इसमें खजाने हैं, इसमें सोना है, इसमें क्रोमाइट है, इसमें तांबा है, इसमें मार्बल है, इसमें बहुत कीमती पत्थर हैं,
इतना जबरदस्त किस्म का, इसमें गैस है, इसमें पेट्रोल है, हर चीज इस मुल्क में मौजूद है। और सबसे बढ़कर यह है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान है, इसकी ह्यूमन रिसोर्स इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, तो उसका मतलब यह है कि यह निजाम तबाह हो चुका है, यह निजाम डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सका है। 77 साल में इस निजाम के ऊपर जो लोग मुसल्लत रहे हैं उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, और इसके नतीजे में बर्बादी ही बर्बादी है। यहां जागीरदाराना निजाम है,